ये इंस्टीट्यूशंस हैं क्या, प्लानिंग कमीशन क्या है, विधानसभा क्या है, आप लोग जो सब यहां बैठे हो जिसको पंचायती राज कहते हैं ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो क्या हैं, हमारे प्रेस के मित्र हैं जो कभी कभी हमारे बारे में गलत लिख देते हैं, झूठ भी लिख देते हैं, मगर ये क्या है, ये सब हिंदुस्तान की आवाज है। इन सबको मिलाकर घाट कोपर के मस्जिद दारुल सलाम में रोजा इफ्तार। माह रमजान मुस्लिमों का बहुत ही पवित्र और बरकत वाला महीना है। पूरा एक महीना मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं और इबादत करते हैं। सुबह फ़र्ज की अजान के पहले सहरी करते और शाम को समय मगरिब के अजान होने के बाद ही इफ्तार करते हैं। मुंबई में जगह जगह रोज़ेदारों के इफ्तारी के लिए इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें घाटकोपर पश्चिम की मस्जिद दारुल सलाम में इमाम मौलाना अब्दुल अज़ीज़ और बैदुर रहमान की अध्यक्षता में पिछले कई सालों से इफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। रोजेदारों को रोज़ा करवाने के लिए मस्जिद में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसे नासिर गौहर खान, मुन्ना भाई नूडल्स वाले, नौजवान कमेटी के सदर वासिफ सिद्दीकी, इब्राहिम सिद्दीकी, शाहिद सिद्दीकी, बैतुल्ला जमील अहमद सिद्दीकी, इस्माइल सिद्दीकी, यासिर खान, रेहान सिद्दीकी, फौजान सिद्दीकी और सभी लोग मिल कर इफ्तारी बने। यहाँ पर प्रतिदिन 100 से 150 लोग रोज़ा इफ्तारी करते हैं। हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट।
की आवाज़ YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।